हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करते हैं वेस्ट बंगाल के कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग को जो है वेस्ट बंगाल के लिए बहुत वेट करवाया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है अपना स्टेट्स बहुत सारा है, और जैसा कमेंट कर रहा था वैसे ही जो है हम लोग वीडियो बना रहा था कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग का जो है आज फाइनली बना रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप जो है SSC GD 21/7/2018 को नोटिफिकेशन आने वाला है, अगर नोटिफिकेशन आने के बाद में, तो दोस्तों हमारे चैनल के साथ में जो है एक कोर्स चला रहे हैं। वो जो है ऑफलाइन कोर्स है, आप कोचिंग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। लोकेशन जो है हैदराबाद में और तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना स्टेट में है। तो जो भी कैंडिडेट्स हिंदी वाला आता है, हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा, और हिंदी मीडियम वाले के लिए रहने के लिए और खाने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट करवाया जाएगा ऑन योर डिमांड। उसके लिए पैसा अलग से लगेगा। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं वेस्ट बंगाल की मेल कैंडिडेट की पूरा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको बता दूँ कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ वैकेंसीज में एक जी होता है जनरल एरिया, बी मतलब बॉर्डर एरिया, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया, एन मतलब नक्सल अफेक्टेड एरिया। तो दोस्तों, सबसे पहले मतलब एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो कैटेगरीज होता है, जैसे N9 मतलब UR है, ठीक है, और उसके बाद में 6 मतलब OBC है, और उसके बाद में 1 मतलब SC है, और 2 मतलब ST है। तो ये जो है आपकी कैटेगरीज है, मतलब जो कास्ट के हिसाब से बांटा गया। और यहाँ पे सबसे पहले जाते हैं BSF के फोर्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले जनरल कैंडिडेट के बारे में बताना चाहता हूँ। जनरल कैंडिडेट जनरल एरिया का जो है 62 मार्क्स, और बॉर्डर एरिया के वाले के लिए 54, और उसके बाद में नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 55, और उसके बाद में जो है SC कैंडिडेट के लिए हम लोग देखेंगे। तो SC कैंडिडेट के लिए जनरल एरिया के लिए 60, और बॉर्डर एरिया के लिए 51, और जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया वाले के लिए 49, और उसके बाद में देखेंगे ST वाले के लिए। जो ST कैंडिडेट हैं वो जनरल एरिया वाला 57, और बॉर्डर एरिया के लिए 50, और जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया वाले के लिए भी 50 है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे OBC कैंडिडेट का। OBC कैंडिडेट जो है जनरल एरिया के लिए 59, और बॉर्डर एरिया के लिए 50, और उसके बाद में नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 52, और उसके बाद में देखेंगे आपकी जो है एक्स सर्विसमैन का कुछ नहीं है, और उसके बाद में जो है CSF के बारे में आते हैं। तो CSF की जो है जनरल कैंडिडेट के लिए 55, और जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 46, यहाँ पे बॉर्डर का नहीं दिया है। और उसके बाद में जो है नेक्स्ट SC कैंडिडेट के लिए 50 जनरल एरिया के लिए, और नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 39, और उसके बाद में देखेंगे ST के लिए। तो ST के लिए यहाँ पे सिर्फ जो है जनरल एरिया के लिए दिया हुआ है 52, और उसके बाद में जो है OBC के लिए देखते हैं। OBC जो है जनरल एरिया के लिए 50, और उसके बाद में नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 42, और उसके बाद में देखेंगे कि आपकी जनरल एरिया और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे CRPF की फोर्स के बारे में। तो CRPF की जो भी है कट ऑफ के बारे में देखेंगे। तो CRPF की सबसे पहले जो है जनरल कैंडिडेट का हम लोग देखेंगे। तो जनरल कैंडिडेट और जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया वाला के लिए, और सॉरी यहाँ पे जनरल एरिया के लिए 53 जनरल कैंडिडेट के लिए, और नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 46, और उसके बाद में जो है आपकी SC कैंडिडेट के लिए हम लोग देखेंगे तो 49 जनरल एरिया के लिए, और वैसे ही जो है आपकी नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 40, और उसके बाद में जो है आपकी ST के लिए आता है, ST के लिए जनरल एरिया के लिए 50, और उसके बाद में जो है आपके नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 46, और उसके बाद में जो है आपकी OBC के लिए 49 जनरल एरिया के लिए, और नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 42, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि SSB के बारे में। तो SSB के बारे में देखेंगे तो जनरल एरिया और जनरल कैंडिडेट के लिए 53, और बॉर्डर एरिया के लिए 52, और उसके बाद में जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया वाले के लिए 46, और उसके बाद में जो है SC कैंडिडेट के लिए देखेंगे जनरल एरिया के लिए 50, और बॉर्डर एरिया के लिए 49, और जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 39, और उसके बाद में जो है ST कैंडिडेट के लिए देखेंगे। तो ST कैंडिडेट के लिए जो है जनरल एरिया के लिए 51, और बॉर्डर एरिया के लिए 49, और उसके बाद में नक्सल अफेक्टेड एरिया वाले के लिए 48, और उसके बाद में जो है OBC कैंडिडेट के लिए देखेंगे जनरल एरिया के लिए 49, और बॉर्डर एरिया के लिए 48, और उसके बाद में नक्सल अफेक्टेड एरिया वाले के लिए 41, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे ITBP के बारे में। तो ITBP के बारे में जनरल कैंडिडेट के लिए 53, और जनरल एरिया के लिए, और जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया जनरल कैंडिडेट के लिए 46, और उसके बाद में जो है नेक्स्ट SC कैंडिडेट के लिए देखेंगे तो 49,
और उसके बाद में जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 39, और उसके बाद में देखेंगे एसटी कैंडिडेट के लिए, एसटी कैंडिडेट जनरल एरिया के लिए 50 और नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 46, और उसके बाद में देखेंगे ओबीसी कैंडिडेट के लिए 48 और उसके बाद में जो है नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए 41, और उसके बाद में देखेंगे कि आपकी जो है एआर मतलब असम राइफल के बारे में सबसे लास्ट वाला बात करते हैं। तो जनरल एरिया जनरल कैंडिडेट के लिए 62 और उसके बाद में नक्सल अफेक्टेड एरिया वाले के लिए 55 और उसके बाद में जो है एससी कैंडिडेट के लिए जनरल एरिया के लिए 60 और नक्सल अफेक्टेड एरिया वाले के लिए 50, और उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि एसटी कैंडिडेट के लिए, तो एसटी कैंडिडेट के लिए हम लोग देखेंगे तो 57 जनरल एरिया के लिए, और उसके बाद में ओबीसी कैंडिडेट का है यहाँ पे जो आपके नक्सल अफेक्टेड एरिया के लिए नहीं है, तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए हम लोग देखेंगे तो जनरल एरिया के लिए 57 और नक्सल अफेक्टेड एरिया वाले के लिए 48। ये रहा दोस्तों आपकी वेस्ट बंगाल की पूरा कट ऑफ के बारे में। तो अगर आप जो है हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हो या इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो हमारा कोचिंग पे आ सकते हो। ऑफलाइन कोर्सेस चालू है, मतलब 21/7/2018 में जब नोटिफिकेशन आएगा तो चालू करेंगे, तो उसके लिए जो है आप इन्फॉर्मेशन लेना है तो हमारा ईमेल पे भी ईमेल कर सकते हो, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दे दो, हम जो है खुद ही कॉन्टैक्ट कर लेंगे। फिर मिलते हैं एक नए के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।